आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। सेकेंडरी लेवल तक स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं। टोटल 831 स्कूल्स को टारगेट किया गया है, तो जिसमें हमारे 36 हायर सेकेंडरी स्कूल, 80 हाई स्कूल, 368 मिडिल स्कूल और 347 प्राइमरी स्कूल। इन सभी स्कूल्स में काम, इंफ्रास्ट्रक्चर काम शुरू किए गए हैं और उसमें 90% काम कंप्लीट हो चुके हैं। कोई 10% काम बचे हैं, वो आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा फोकस है कि बच्चों को हम यंग एज में पकड़ें और उनको फिर स्पोर्ट्स के लिए उनके ऊपर मेहनत करें, जिससे कि अच्छे स्पोर्ट्समैन फ्यूचर में तैयार हो सके। और इसके अलावा आइस हॉकी एक मेजर स्पोर्ट्स है लद्दाख में और विंटर गेम्स का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सभी सब डिवीजन में जो 10 सब डिवीजन है उसमें काम चल रहा है इसके ऊपर। इसमें हमारा 30% हमारी अभी तक प्रोग्रेस है और इसका मकसद ये है कि सब डिवीजन लेवल के ऊपर आइस हॉकी के इंटरनेशनल साइज के रिंग्स है उसको तैयार किया जाए और उसमें फैसिलिटीज क्रिएट की जाए, तो इसके ऊपर काम चल रहा है अभी। इसके अलावा ब्लॉक्स में भी आइस हॉकी फैसिलिटीज को तैयार किया जा रहा है, चाहे वो आइस हॉकी हो चाहे स्केटिंग हो। तो उसमें हमने 31 ब्लॉक्स हैं जो हमारे लद्दाख में, उसमें से 20 लोकेशन के ऊपर काम कंप्लीट हो गया है आइस हॉकी रिंग्स का और बाकी के ऊपर काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि वो भी आने वाले 1-2 महीने में या 2-3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, लेह और करगिल में, मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जो इंडोर होंगे। इसमें मेनली ले में एनडीएस स्टेडियम में किया जा रहा है और दूसरा करगिल में जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेडियम है उसी में निर्माण किया जा रहा है। तो इसका मकसद ये है कि जितने भी इंडोर स्पोर्ट्स हैं या फिर एडिशनल उससे अलाइड जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं उसमें लोगों को खेलने के लिए मौका मिले और हमारे स्पोर्ट्स में वो दिन रात प्रैक्टिस कर सकें। और इन्हीं के साथ में जिमनेजियम का भी उसमें प्रोविजन रखा गया है, जिससे कि स्पोर्ट्समैन जिम को भी यूज कर पाए किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन के लिए हॉस्टल्स और की फैसिलिटीज को क्रिएट किया जा रहा है। ले में भी और करगिल में भी दोनों के ऊपर काम शुरू हो चुका है और आने वाले सीजन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो स्पोर्ट्समैन क्योंकि मैक्सिमम एरिया से बाहर से भी बच्चे आते हैं, तो उसको कैटर करने के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। जंस्कार और द्रास में विंटर स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और अभी कंसेप्ट स्टेज के ऊपर हमने विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी का हम अभी प्लान कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में टूरिस्ट के लिए भी और स्पोर्ट्समैन के लिए भी दोनों तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी, चाहे वो विंटर स्पोर्ट्स हो चाहे उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स हो, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक मेजर डिमांड थी दोनों डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आइस हॉकी प्लेयर हैं कि राउंड द ईयर आइस हॉकी को प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए ले और करगिल दोनों में 24/7 राउंड द ईयर आइस हॉकी क्लोज रिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें चाहे वो रूफिंग का प्लान हो चाहे मैकेनिकल चिलिंग का प्लान हो, तो उन सभी के ऊपर काम चल रहा है और आने वाले सीजन में हमें उम्मीद है कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और जो हमारे आइस हॉकी प्लेयर्स हैं जो समर में या ऑफ सीजन में खेल नहीं पाते, तो उसमें हमारे बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और बच्चे आइस हॉकी में काफ़ी आगे तक जा सकेंगे हमारे। करगिल में भी एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल और सिंथेटिक ट्रैक फुटबॉल का निर्माण किया जा रहा है, इसमें काम शुरू हो गया है और ये जो साई सेंटर है जो प्लेटू के ऊपर उसी की जमीन के ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे कि साई के स्पोर्ट्समैन को भी फायदा मिले और बाकी हमारे स्पोर्ट्समैन को भी फायदा हो। हॉर्स पोलो एक पुराना हमारा गेम है, लद्दाख का ट्रेडिशनल गेम है, तो इसमें द्रास में और चुशोत में दोनों जगह जो स्टेडियम है उसका निर्माण किया जा रहा है और फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही है, तो उससे गेम को प्रमोट किया जाएगा। और इसी साल हमने द्रास में एलजी फर्स्ट एलजी हॉर्स पोलो कप भी हमने ऑर्गेनाइज किया था, तो जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। एनडीएस स्पोर्ट्स स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल कम्प्लीट हो गया है, तो इसको हम कभी भी पब्लिक को डेडिकेट कर सकते हैं, तो उसके उससे भी उसमें जितने भी इंडोर गेम्स होंगे हम उसमें फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा चांगथांग डेवलपमेंट पैकेज में चुशूल, श्योक, मुद, हानले, कोरजोक इन सारे लोकेशन के ऊपर चांगथांग डेवलपमेंट पैकेज में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि जो रिमोट एरियाज के बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। हमें 1 जनवरी तक 15,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए एसटीवी लद्दाख के साथ, आवाज घर घर की।